नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। 15 मार्च 2021 की खबरों के साथ ये है स्वदेशवाणी। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा, सबका सपना रांची में घर हो अपना। आइए डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत में बैन खालिस्तान समर्थक संस्था SFJ ने दिया UN को चंदा। किसानों से बदसलूकी की जांच के लिए कमेटी बनाने की कर रहा कोशिश, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर राइट्स के प्रवक्ता ने की पुष्टि। सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीय कामगारों के लिए आई अच्छी खबर, अब अपनी मर्जी से बदल सकेंगे नौकरियां। सऊदी में आज से कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम किया गया लागू। वुहान से ही फैला कोरोना, चीन से लौटे WHO के वैज्ञानिकों का दावा, वुहान वेट मार्केट से वायरस के फैलने की सबसे ज्यादा संभावना, लैब के खिलाफ नहीं मिले कोई सबूत। आइए अब चलते हैं राष्ट्र खबरों की ओर। गृह मंत्री अमित शाह असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर, तिनसुकिया में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार ने असम से आतंकवाद और आंदोलन को किया खत्म, हम जो कहते हैं वो करते हैं। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। ई श्रीधरन पलक्कड़ सीट से होंगे प्रत्याशी, वहीं बाबुल सुप्रियो को पार्टी ने बनाया टॉलीगंज से उम्मीदवार। बंगाल का सियासी घमासान है शुरू। नंदीग्राम में घायल होने के 3 दिन बाद व्हील चेयर पर रोड शो करने निकली ममता बनर्जी, कोलकाता में करेंगी सभा। CM ममता 15 मार्च से लगातार चुनावी रैलियों में लेंगी हिस्सा। ममता बनर्जी पर हमले का मामला, चुनाव आयोग ने हमले की बात को किया खारिज, चीफ सेक्रेटरी और ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर लिया फैसला। आइए अब चलते हैं अपने झारखंड की खबरों की ओर। पहाड़िया समुदाय का गरीब बुजुर्ग फंसा मानव तस्करों के चंगुल में, तस्करों ने पैसा छीन छोड़ा सड़क पर। रेलवे ट्रैक के सहारे दिल्ली से 1200 किलोमीटर पैदल चल पहुंचा धनबाद, 13 मार्च को NGO ने पहुंचाया घर। CM प्रतिनिधि के रिश्तेदार की हत्या, साहिबगंज में जमीन में दफन शव को निकाला गया बाहर, 3 मार्च से लापता था युवक, मृतक के जीजा ने की शव की पहचान। 28 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, पूर्वी सिंहभूम जिले के श्रद्धालुओं को लेना होगा हेल्थ सर्टिफिकेट। बिष्टुपुर में PNB और आदित्यपुर और साक्ची स्थित यस बैंक की शाखा से कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अब कुछ खबरें खेल जगत की। जॉर्जियाई खिलाड़ी निकोलस बासिलाश्विली ने कतर ओपन का जीता खिताब, फाइनल में स्पेन के रॉबर्टो बोतिस्ता एगुट को हराया। हार के बाद बोतिस्ता ने कहा, अगले साल खिताब जीतने का करूंगा प्रयास। वेस्टइंडीज पहुंचा कोरोना वैक्सीन, विवियन रिचर्ड्स और सरवन ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। 1,75,000 डोज एंटीगुआ और बारब्यूडा पहुंचाए गए। राशिद के नाम 21वीं सेंचुरी का बड़ा रिकॉर्ड, 1 टेस्ट में सबसे ज्यादा 99.2 ओवर करने वाले बने बॉलर, 23 साल में ऐसा हुआ पहली बार। मुथैया मुरलीधरन ने 1 टेस्ट में किए थे 113.5 ओवर। ये थी अब तक की खबरें। इसके अलावा अन्य खबरों की जानकारी के लिए आए हमारी वेबसाइट swadeshwani.com पर या हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।